हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के नए लैपटॉप के साथ। जी हाँ, आज हम लेके आए हैं एचपी विक्टर्स। जी हाँ, बहुत वीडियोस बनाई हैं हमने एचपी के विक्टर्स गेमिंग लैपटॉप पे। एक्चुअली क्या, एचपी टाइम टू टाइम को बहुत जल्दी जल्दी नए नए लैपटॉप्स को लॉन्च करता जा रहा है। अपग्रेडेशंस तो ये मान लो कि एचपी के पास बहुत सारी अपग्रेडेशन आ गई हैं, वो टाइम टू टाइम, मतलब अपग्रेड की आप बात करें तो हमारे पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं विक्टर्स लैपटॉप के अंदर। हमें सोचना पड़ता है कि अगर आज वीडियोस आपके लिए लेके आए तो कौन से लैपटॉप की लेके आए, हम एचपी से कौन से लैपटॉप की डिमांड करें। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एचपी का लेटेस्ट जो लॉन्च किया है एचपी ने, Ryzen 7। जी हाँ, Ryzen 7 लैपटॉप है विक्टर्स के अंदर, जो 16 GB रैम 512 GB SSD के साथ एचपी ने लॉन्च किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे इसमें क्या खासियत बात है, बहुत सारे लॉन्च कर चुके हैं 16 GB और 500, लेकिन ये RTX 3050 है। आप कहेंगे जी RTX 3050 के साथ भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 6 GB DDR6 के साथ लैपटॉप लॉन्च किया और Ryzen 7 7000 प्रोसेसर है HS। जी हां, आज हम इस लैपटॉप को अनबॉक्स करेंगे, इसका बैक पैनल भी ओपन करेंगे। कहीं मत जाइएगा, धमाकेदार वीडियो होगी। अगर आप गेमिंग लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी हाँ, लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपको बता दूं, ये लैपटॉप हमें प्रोवाइड कराया है एचपी ने करोल बाग दिल्ली के अंदर, ओमेन प्ले ग्राउंड जो स्टोर है करोल बाग के अंदर, वहां से हमें ये लैपटॉप मिला है। जो ये लैपटॉप अनबॉक्स होने के बाद उसी ओमेन प्ले ग्राउंड के थ्रू एचपी के पास वापिस चला जाएगा। तो जी हाँ, अगर आपने गेमिंग लैपटॉप भी लेना है तो आप एक बार इस स्टोर पे जरूर आइएगा। बहुत ही आपको फीचर्स, मतलब फीचर्स मैं कहूँ, फीचर्स जो एचपी देगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऑफर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि ये एचपी का एक्सक्लूसिव हाइब्रिड स्टोर है ओमेन प्लेग्राउंड दिल्ली के करोल बाग में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, लैपटॉप को अनबॉक्स करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। तो दोस्तों, लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर दिया है। पावर कोर्ड जो हर लैपटॉप के हमें मिलती है, यह है 200 वाट का पावर अडेप्टर, हैवी है। देखिए, गेमिंग लैपटॉप है तो हमेशा आपको हैवी ही मिलेगा पावर अडेप्टर। देखिए, लैपटॉप को जब उठाते हैं तभी थोड़ा पता चल जाता है गेमिंग लैपटॉप है। अप्रॉक्सीमेटली 2.31 kg का ये लैपटॉप है। परफॉर्मेंस ब्लू कलर एचपी ने अपने इस विक्टर्स लैपटॉप में दिया है, क्रोम लोगो है। अगर हम बात करेंगे इसके बैक साइड में, अगर हम सबसे पहले देखते हैं वेंटिलेशन, काफ़ी बड़ा वेंटिलेशन है जो एचपी अपने गेमिंग लैपटॉप्स में देखता है। ये जरूरी भी है क्योंकि हीट करते हैं जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं, उनमें वेंटिलेशन हमेशा बड़ा ही मिलता है। रबड़ ग्रिप जो लैपटॉप को थोड़ा सा हवा में रखते हैं। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूंगा तो विक्टर्स लैपटॉप है। मैं ये भी बता दूं, काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है, एचपी पहले जो पवेलियन सीरीज लाता था गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर, एचपी ने वो पवेलियन सीरीज अब बंद कर दी है। अब विक्टर्स, जी हाँ, अभी भी आ रही है, बहुत कम मॉडल्स रह गए हैं पवेलियन सीरीज में जो अभी आ रहे हैं। मोस्टली अब जितनी भी गेमिंग सीरीज आ रही, गेमिंग लैपटॉप्स आ रहे हैं, वो विक्टर्स या ओमेन में आ रहे हैं। ओमेन सुपर प्रीमियम है और विक्टर्स हम ये कहेंगे प्रीमियम गेमिंग लैपटॉप है एचपी का। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसके रिव्यू करेंगे और लैपटॉप को हम बैक पैनल भी ओपन करेंगे। एक हाथ से ओपन करके देखते हैं, एक हाथ से ओपन नहीं होगा, लैपटॉप हैवी लैपटॉप है। इसको हम बूट अप करते हैं, 10 मिनट का समय लेगा। इतने हम लैपटॉप के पोर्ट्स देखते हैं, फिर देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में देखते हैं, हमें 5 पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। जब से पहला पोर्ट जो है वो है चार्जिंग का, लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। उसके बाद जो हमें दिखता है HDMI 2.1 जो हमारे LED TV या प्रोजेक्टर कनेक्ट करने के लिए काम आता है। फिर हमें दो पोर्ट दिखाई देते हैं, वो है सुपर स्पीड USB 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ, और एक हमें दिखता है USB टाइप सी 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ USB पावर, जो आपकी बाद में भी ऑन रहती है लैपटॉप ऑफ करने के बाद भी। लैपटॉप के राइट साइड में देखेंगे तो हमें 3 पोर्ट दिखाई देते हैं, 3 पोर्ट्स हैं। जो पहला पोर्ट है वो है RJ45, गेमिंग लैपटॉप है तो ये आपको मिलेगा ही, 10x100x1000 इसकी स्पेसिफिकेशन है। साथ में आपको मिलता है एक USB टाइप ए पावर्ड के साथ, और एक आपको मिलता है 3.5 mm का ऑडियो जैक। तो दोस्तों, लैपटॉप की कॉन्फिगरेशन देखते हैं। सबसे पहले एचपी ने अपने इस विक्टर्स लैपटॉप में क्या दिया है, बात करेंगे प्रोसेसर की। देखिए, प्रोसेसर है इसका Ryzen 7 7840HS, 7000 सीरीज तो है, HS प्रोसेसर है 7840, बहुत ही हैवी प्रोसेसर होता है। मैं आपको एक बात और बता दूं,
ये जो प्रोसेस है वो 4 नैनोमीटर में है। जी हाँ, अभी तक आप 7 नैनोमीटर देख रहे थे, 6 नैनोमीटर देख रहे थे, एएमडी ने ये प्रोसेसर 4 नैनोमीटर में लॉन्च किया है, जो एचपी ने अपने विक्टर सीरीज के अंदर दिया है। रेडियन 780M ग्राफिक्स है। देखिए प्रोसेसर, अभी इसकी स्पेसिफिकेशन मैं अगर पढ़ूं, पहले उससे बता दूं कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर ये होता है एएमडी का, जिसकी बेस स्पीड 3.8 GHz है, लेकिन क्लॉक स्पीड जो मैक्सिमम है, जो टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बूस्ट अप होके जाएगा, वो है 5.1 GHz। जी हाँ, 5.1 GHz है। और कोर्स आप देख रहे हैं, 8 कोर्स हैं। जी हाँ, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर 8 कोर का है, और लॉजिकल प्रोसेसर 16 है, और L3 कैशे की बात करेंगे तो 16 MB की L3 कैशे है। देखिए इसका जो प्राइस, आप जब सुनेंगे वीडियो के अंत में, हम इसका प्राइस शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन उस टाइम आप शॉक हो जाएंगे कि इतना हैवी प्रोसेसर आपको इतने बेटर प्राइस के अंदर एचपी ने अपने विक्टस लैपटॉप के में दिया है। बात करेंगे मेमोरी की, तो 16 GB की रैम है। यहाँ पे एक और धमाका जो एचपी ने आपको दिया, 5600 MHz DDR5, दो स्लॉट हैं, दो के दो यूज्ड हैं, टू स्लॉट्स बोथ आर यूज्ड। देखिए अब मैं कोशिश ये करता हूँ, जितने भी हम नंबर्स न्यूमेरिक्स को पढ़े वो इंग्लिश में पढ़े, क्योंकि काफी व्यूअर्स की डिमांड थी कि आप हिंदी में यूज करते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता। इसलिए अगर आप बात सोचेंगे कि हम जो वीडियो तो बना रहे हैं हिंदी में, लेकिन नंबर्स हम इंग्लिश में रीड कर रहे हैं, तो वो हर किसी के समझ में आ जाते हैं, इंडियंस में भी। इसीलिए हम नंबर्स को इंग्लिश में रीड करने की हमेशा कोशिश करेंगे। अगर हम डिस्क की बात करेंगे, 512 GB की, ओसिया की SSD आपको इसमें HP ने दी है, 577 GB की इसकी आपको कैपेसिटी मिलती है। एक अब यहाँ पे 1 TB हो जाना चाहिए था, अभी तक हम देखते आ रहे थे प्रोसेसर भी हैवी था, रैम भी हैवी, लेकिन SSD तो अपग्रेड हो भी जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफिक्स RTX NVIDIA GeForce 3050 6 GB, अभी तक हम 4 GB का ग्राफिक्स देख रहे थे, या 8 GB हमने देखा, वो 1 लाख से ऊपर चला जाता था। देखिए प्राइस आपका थोड़ा सा ओपन हो गया, 1 लाख से ऊपर नहीं है, 1 लाख से नीचे लैपटॉप है ये। 6 GB ग्राफिक्स है, 6 GB DDR6। अगर हम शेड की बात करेंगे, 7.6 टोटल 13.6, लेकिन हमें डेडिकेटेड से मतलब होता है, तो डेडिकेटेड हमें मिलता है RTX 3050। और मैं इसका मैक्सिमम पावर भी, हम फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ देखिए मैक्सिमम ग्राफिक्स पावर जो आपको मिलती है 95 वॉट की, इसमें सारी क्लॉक स्पीड, सारी स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। अभी हम आगे देखते हैं GPU 1। देखिए आपको पता है AMD के प्रोसेसर के अंदर अपने भी ग्राफिक्स मेमोरी होती है, जो इसके अंदर 448 MB की है, तो डुअल ग्राफिक्स आपको मिल जाता है, प्रोसेसर में भी ग्राफिक्स और डेडिकेटेड 6 GB का ग्राफिक्स आपको मिलता ही है, परफॉर्मेंस भी बूस्ट अप कर जाती है। जो वॉइस अभी आप सुन रहे थे, वो वॉइस हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड करी थी, जो कॉन्फ़िगरेशन की वॉइस आप सुन रहे थे, जिससे आपको इसके माइक की क्वालिटी भी पता चल जाए। एचपी इसमें आपको 16 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले देता है, जिसका रिजोल्यूशन 1920x1080। अगर हम बात करेंगे आईपीएस की, तो इसमें आपको आईपीएस भी मिलता है, एंटी क्लियर भी मिलता है, माइक्रो एचडी डिस्प्ले मिलता है, निट्स की बात करेंगे 250 निट्स मिलता है, और 45% NTSC, और सबसे मेन 144 Hz का आपको इसमें रिफ्रेश रेट मिलता है इसकी स्क्रीन में। हम कैमरे की बात करते हैं, ट्रू विजन 1080p फुल HD कैमरा मिलता है विद टेंपल नॉइस रिडक्शन के साथ, और इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन के साथ। इसमें अगर आप बात करेंगे तो फुल साइज का बैकलाइट कीबोर्ड आपको इसमें मिलता है विद न्यूमेरिक कीपैड। तो चलिए दोस्तों, समय आ गया है लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करने का। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, तो चलिए आइए देखते हैं लैपटॉप के अंदर पार्ट्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, गेमिंग लैपटॉप है तो दो फैन होना तो बहुत जरूरी है गेमिंग लैपटॉप के अंदर। तो ये दो फैन हमारे दिखाई दे रहे हैं, दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं, एक फैन और एक ग्राफिक्स के साथ। 3050 6 GB का इसमें ग्राफिक्स है। साथ में देखेंगे दो ग्रीन स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे रही हैं, दोनों रैम है, 8-8 GB की दो रैम लगी हुई है DDR5 5600 MHz की। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगी SSD जो 512 GB की SSD है, ऊपर कवर लगा हुआ है, नीचे इसमें SSD आपको जो नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ आपको कवर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आपको दिखाई दे रहा है वो है वाईफाई। जी हाँ, वाईफाई 6E, और अगर हम ब्लूटूथ की बात करेंगे तो 5.3 ब्लूटूथ है, वो इसी चिप के अंदर ही दोनों होते हैं, वाईफाई 6 भी और ब्लूटूथ भी। आप बैटरी देख रहे हैं, बैटरी 4 सेल की बैटरी है, लिथियम
पॉलीमर बैटरी आपको इसमें मिलती है और 70 वर्क आवर्स के साथ आपको बैटरी मिलती है। अगर हम बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो आपको 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप इसमें मिल जाएगा। ये दो साथ में आप दिखाई दे रहे हैं, ये स्पीकर्स हैं लैपटॉप के अंदर। दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया HP Victus S0095AX, जो हमने देखा Ryzen 7 प्रोसेसर है, HS प्रोसेसर है 7000 सीरीज का, 16GB रैम और 512GB SSD के साथ और 6GB ग्राफिक्स, जी हाँ 3050 RTX। देखिए अगर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करेंगे तो ड्रॉबैक्स मुझे इस लैपटॉप में कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सिर्फ दो ड्रॉबैक्स मेरे को उसमें दिखाई दिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो SSD की, देखिए इस प्राइस के अंदर आज के रेट में आप 1 TB SSD अब दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। लेकिन एक तरफ ये भी है कि आप 512GB SSD में भी हमारी सारी वर्किंग आज की डेट में हो जाती है। जो दूसरा इसमें ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक मैं नहीं कहूँगा, ये भी मैं वर्ड गलत यूज कर रहा हूँ, ड्रॉबैक भी मैं नहीं कहूंगा, जो ग्राफिक्स के साथ जो स्क्रीन है ये 250 nits और 45% NTSC के साथ है। मेरी HP से भी बात हुई थी तो भी मैंने उनसे कहा कि आप 100% sRGB क्यों नहीं दे देते, तो उनका तरफ से भी जो कहना था वो बिल्कुल सही था कि अगर 100% sRGB देंगे तो इस लैपटॉप का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और 100% sRGB गेमिंग के टाइम पे ऐसा नहीं है, बहुत ज़रूरत पड़ती हो, गेमिंग या एडिटिंग करते हुए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। उसके भी HP ने लॉन्च कर रखे है, अगर आपने 100% sRGB के साथ लेना है तो थोड़े से प्राइस के डिफरेंस पे आपको वो लैपटॉप भी मिल जाएगा। तो जो दोनों मैंने सोचा था कि इसमें ये होना चाहिए था तो वो दोनों ही मैं गलत निकला वहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँगा लैपटॉप की तो ये परफेक्ट लैपटॉप मुझे दिखाई दिया। जी हाँ, अगर आपने कोई भी वर्किंग करनी हो, आपने 4K एडिटिंग करनी हो, आपको आपने अगर गेमिंग हार्डकोर गेमिंग करनी है, बाकी के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कोडिंग तो सब इस लैपटॉप के सामने छोटे हैं। जी हाँ, आप कोई भी वर्किंग इसमें कर सकते हैं। अगर हम प्राइस बैंड की भी बात करेंगे तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में HP ने अपने इस सीरीज को लॉन्च किया, इस सीरीज में कहूँगा इस विक्टस लैपटॉप को लॉन्च किया है। जी हाँ, 87,000, जी हाँ 87,000, आप शॉक हो गए होंगे कि 87,000 के अंदर इतने सारे फीचर्स, मतलब Ryzen 7 का 7000 प्रोसेसर, वो भी 4 नैनोमीटर का, 6GB ग्राफिक्स के साथ, बहुत ही प्राइस, अभी तक मेरे को इस प्राइस बैंड में और किसी कंपनी का लैपटॉप नहीं दिखाई देता जो इस क्वालिटी और इस परफॉर्मेंस के साथ आपको मिलता है। अगर वारंटी की बात करूँगा तो 1 ईयर ऑन साइट वारंटी HP आपको इसमें देता है और आप अपग्रेड कर सकते हैं, टाइम टू टाइम ऑफर्स आती रहती हैं, आप इसको 1 ईयर से आप 3 ईयर कर सकते हैं, आप एक्सीडेंटल डैमेज ले सकते हैं, वारंटी भी इसमें ले सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल प्राइस में HP आपको ऑफर करता है। जब भी आप लैपटॉप ले, हमेशा मैं यही प्रेफर करूंगा आप किसी न किसी HP वर्ल्ड से ही लीजिएगा। अगर आप HP का लैपटॉप ले रहे हैं तो HP वर्ल्ड से लीजिएगा, या कोई भी ब्रांड का लैपटॉप ले रहे हैं तो उसी के एक्सक्लूसिव स्टोर से लीजिएगा। आज की डेट में हर ब्रांड ने अपने एक्सक्लूसिव स्टोर बहुत कम दूरी पे ओपन कर रखे हैं, जिससे आपको कहीं भी ज़्यादा परेशानी ना हो, आपको वाइड रेंज भी मिल जाए और आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगी। कभी भी आप थर्ड पार्टी एक्सटेंडेड वारंटी कभी भी मत लीजिएगा, आपको वारंटी क्लेम करते हुए प्रॉब्लम आएगी, आपको नहीं मिलेगी, मिलेगी तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएंगे और कुछ पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक जिन दोस्तों ने या दो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, उन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे भी हम नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करने से जैसे ही हम कोई किसी लैपटॉप की वीडियो को अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहूँगा, कभी भी आपको ये लगता हो कि हम ये पार्ट कवर करना रह गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उन पार्ट्स को भी कवर करने की। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।